नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम रिपोर्टर्स को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे और इसी तरह से हर रोजाना हर क्षेत्र हर इलाके के रिपोर्टर्स को जोड़ेंगे और सीधे बातचीत उनसे करेंगे। तो ऐसे में आज भी तमाम रिपोर्टर्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग जगह से जो अपने इलाके के अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे कि आज उनके क्षेत्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबर उनके क्षेत्र की है, साथ ही कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ है, कितना काम उन्होंने क्षेत्र में उनके विधायकों ने सांसदों ने कराया। साथ ही ऐसे में अब माहौल क्योंकि चुनावी है तो चुनाव से जुड़े सवाल भी यहां पर उठेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता के मूड में क्या है। इसीलिए यही हमने कार्यक्रम रखा है रिपोर्टर लाइव, ताकि तमाम जगह की हम जानकारियां जुटा सकें और तमाम जगह पर पहुंचने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि हर जगह की समस्या जानना भी बेहद जरूरी है। कहां पर आखिर चल क्या रहा है ये भी जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब क्योंकि जिस तरह से पहले मैंने कहा कि माहौल काफ़ी चुनावी है, लेकिन कोरोना का खतरा भी देश में उसी तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर भी कहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको लेकर लोग कितना जागरूक हैं और पूरी तरह से शासन से लेकर प्रशासन तक किस तरह से काम कर रहा है, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, चाहे वो चुनावों को लेकर हो या फिर वो ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर हो, कहां पर क्या पाबंदी लगी है, इन सभी चीजों के बारे में आज यहां पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो रिपोर्टर हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे उनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र का हाल क्या है, उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से विधायक उनके क्षेत्र के जनता से रूबरू होते हैं, कितनी बातचीत वो करते हैं और कितना ध्यान वो जनता का रखते हैं। तो चलिए, जिस तरह से मैंने कहा था कि तमाम जगह से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, झांसी से अमित सोनी लाइव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, झांसी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आज यही जानना चाहूंगी, झांसी में क्या कुछ आज अपडेट है, क्या बड़ी खबर है और क्या हलचल आज झांसी में है? देखिए, आपको बता दूं कि झांसी में सामान्य तौर पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है और राजनीति की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर चल रहा है और सभी पार्टियों के चारों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं दमखम दिखा रहे हैं और लगातार विपक्ष की बात किया तो विपक्ष आप योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है उन योजनाओं को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि वो योजना समाजवादी पार्टी की थी। ऐसे तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहे हैं। झांसी में अगर बात की जाए कोरोना की तो कोरोना के अभी तकरीबन 6 मरीज झांसी में हैं और सख्ती से उसका पालन भी कराया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू जिस तरीके से लगाया जा रहा है तो नाइट कर्फ्यू में भी सख्ती से पुलिस पालन करा रही है। फिलहाल में राजनीतिक हलचल अभी बरकरार है। जी बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरह से आप कोरोना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राजनीति की आपने बात करी, क्योंकि चुनाव अब उत्तर प्रदेश में नजदीक है तो काफी माहौल भी गर्म हो चुका है, चुनावी माहौल नजर आ रहा है, आपने भी जिस तरह से बताया। साथ ही अगर देखिए कोरोना की बात की जाए कि चुनाव को देखते हुए रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े जनसभाएं की जा रही हैं, कोरोना को लेकर झांसी में किस तरह से प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, अलर्ट की बात की जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट है, सारी घोषणाएं कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि किस तरीके से मास्क लगाकर रहे और नाइट जो कर्फ्यू हो उसका भी कहीं ना कहीं पालन कराए, सख्ती से पालन पुलिस प्रशासन करा भी रही है। जो झांसी के प्रमुख चौराहे हैं उन पर चाक चौकस इंतजाम रात में कर दिए जाते हैं, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है और पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए जनता की तो जनता कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रही है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग नहीं कर रही है, तो ये भी एक कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन लगातार बड़ी तेजी से फैल रहा है तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए और हमारा चैनल भी ये लोगों से अपील करता है कि सभी लोग मास्क लगाकर ही रहे। ऐसे में जो ओमिक्रॉन के लगातार मरीज आ भी रहे हैं पूरे भारत में तो वो भी एक चिंता का विषय है, और जिस तरीके से चुनाव का प्रचार भी चल रहा है वो भी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार भीड़ जुट रही है, लोग इकट्ठे होकर फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अमित, आप भी लगातार फील्ड पे बने रहते हैं, कवरेज के लिए पहुंचते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों के मन में कोरोना या ओमिक्रॉन को लेकर जागरूकता है झांसी में?
देखिए अभी उतनी जागरूकता नहीं दिख रही है, क्योंकि कहा जा सकता है भयभीत ना हो, वही सीधी सीधी बात है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जिस तरीके से कोरोना के जो पेशेंट आए हैं, ओमिक्रोन का कोई भी पेशेंट अभी झांसी में नहीं आया। कोरोना तो बढ़ रहा है लेकिन ओमिक्रोन का कोई भी पेशेंट नहीं है। तो अभी तक जो यहाँ झांसी की जनता है जागरूक उतनी नहीं दिख रही। भीड़ वाले इलाकों में अभी भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वाहन चलाते हुए मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और रैलियां लगातार हो रही उनमें भी मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो नजर आ रही है जी। लेकिन लोग जागरूकता की बात तो करते हैं कि हाँ हमें कोरोना से डर है, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं करते, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही झांसी में देखी जा रही है अभी। जी बिल्कुल अमित, और देखिए क्योंकि माहौल चुनावी है, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में झांसी एक काफ़ी बड़ी भूमिका चुनाव में निभाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जिला है, लोग काफ़ी ज़्यादा, जनसंख्या जो है झांसी में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर पूरे बुंदेलखंड की बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड को अहम माना भी जाता है, चाहे वो योजनाओं के लिए हो चाहे वो किसी और काम के लिए हो, क्योंकि देखिए इस बार लगातार योजनाओं की सौगात यहाँ पर दी जा रही है जनता को, झांसी हो या फिर पूरा बुंदेलखंड की बात की जाए, लगातार कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कुछ ना कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि बड़ी सौगात मिलेगी। लेकिन ऐसे में अगर झांसी के कुछ इलाकों की बात की जाए तो अभी बुंदेलखंड और झांसी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, तो उन क्षेत्रों का क्या हाल है और कितना विधायक वहां पर उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, सांसद किस तरह से जनता का ध्यान रखते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल बता दूं कि झांसी में चार विधानसभाएं हैं, और चार विधानसभाओं में जब 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बुंदेलखंड में केवल दो सीटें आई थी, जिसमें झांसी की सदर विधायक रवि शर्मा थे, उन्होंने एक जीत हासिल की थी। 2017 में भी उनको विधायक का टिकट मिला और उन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और 2017 में चारों जो विधानसभा है झांसी की उनमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। ऐसे में योजनाओं की अगर बात करें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं झांसी में चलाई है, तो सबसे ज्यादा अगर योजना का लाभ कोई मिल पाया है तो वो है हर घर जल योजना, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा सूखा माना जाता है और सूखे को लेकर के यहाँ से पलायन होता है बड़े स्तर पर। तो ऐसे में सूखा बेरोजगारी को लेकर के इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। डिफेंस कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है झांसी में, जिसके लगने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है, और हर घर जल योजना जो कि घर घर तक जल पहुंचा है। तो ये योजना कहीं ना कहीं बहुत कारगर होगी, और इस योजना से धरातल पर जो उतर के काम हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको वॉच किया है, और जितनी बार भी वो झांसी आए हैं तो उन्होंने हर घर जल योजना में क्या प्रगति रही है, कितना काम हो गया है, उसको भी उन्होंने बारीकी से देखा है और लोगों को फटकार भी लगाई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए था, बुंदेलखंड की राजधानी अगर कह सकते हैं तो झांसी कहा जा सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहां पर पलायन बहुत ज्यादा होता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो सूखे को लेकर के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बेरोजगारी को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल अमित, ये तो देखिए आपने विकास को लेकर बात कर ली। अगर अब देखिए ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पूरा उत्तर भारत की बात करें तो ठंड की चपेट में, ऐसे में अगर झांसी के हालात की बात करें तो झांसी में कितनी ज्यादा ठंड है और लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है बढ़ती ठंड को लेकर? देखिए बढ़ती ठंड को लेकर जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं ठंड बढ़ जाती है, तो यहाँ भी ठंड लगातार बढ़ गई है। कल सुबह से ही बारिश हो रही थी और दोपहर तक बारिश होती रही, तो उससे भी ठंड काफी बढ़ गई है, और ठंड के बढ़ने से जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी की है, नगर निगम ने अलग अलग चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, और ऐसे में अलाव के साथ साथ ग्राम प्रधानों ने भी अलाव की व्यवस्था की है, और जिला प्रशासन ने जो गरीब असहाय लोग हैं उनको कंबल वितरण का भी काम किया है, अस्थायी रैन बसेरे जो बनाए गए हैं उन पे भी काम किया गया है, रैन बसेरों में रजाई गद्दे पूरे हैं या नहीं इसको भी लेकर के जिला प्रशासन की पूरी नजर है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चाक चौकस इंतजाम कर लिए गए हैं ठंड को लेकर के भी, और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ठंड का सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से थोड़ा कोहरा भी देखा गया, जिससे कि वाहन को चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और कल यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक बारिश होती रही, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी जी चलिए ठीक है अमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा, फिर से आपका रुख करूंगी, क्योंकि कानपुर देहात से हमारे संवाददाता जितेंद्र यादव भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और जितेंद्र से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कानपुर देहात में क्या कुछ चल रहा है और आज का क्या कुछ बड़ा अपडेट है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र कानपुर देहात की बात की जाए तो सबसे पहले आज कानपुर देहात में क्या कुछ हलचल है, चुनावी माहौल से लेकर अगर प्रशासन तक की बात करें या जमीनी स्तर तक की बात करें, क्या कुछ बड़ा अपडेट है, क्या बड़ी खबर है आज?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कानपुर देहात में डीएम और एसपी, चूंकि निर्वाचन आयोग की मीटिंग है लखनऊ में, तो मीटिंग को लेकर वो लोग लखनऊ में है। दूसरी बात राजनीतिक फील्ड की बात करें तो राजनीतिक के, चूंकि 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जनपद कानपुर देहात में प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और जो अधिकारी है लगातार उन तैयारियों को मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो एक मानना है कि जो 600 करोड़ की परियोजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा जनपद कानपुर देहात के वासियों को दी जाने वाली है, मतलब इस सौगात के तौर पर कानपुर देहात वासियों को मिलने वाली है। वही बात करें मौसम की तो मौसम इस समय बेहद सर्द है, पिछले दो दिन से लगातार बूंदाबांदी का माहौल देखा जा रहा है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में जो कृषि के लिए ये पानी बेहद नुकसानदेह है। और बात करें शहरी अंचल में तो फिलहाल इस पानी का जो फ्लो है वो शहरी अंचल में नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अगर देखिए अब चुनावी माहौल है क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर देहात में कितना अब तक विकास हुआ है और बीजेपी की सरकार में 2017 के बाद से अब तक क्या कुछ बड़े काम हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में जनता को किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए अगर बात करें यहाँ पर विकास कार्यों की तो 5 सालों में कई विकास कार्य ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा कराए गए। जनता को सहूलियत की बात करें तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही थी उन पर लगातार मॉनिटरिंग जनपद के आला अधिकारी, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जनप्रतिनिधि भी लगातार इन कार्य योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार इनकी जो रूपरेखा है उस रूपरेखा के अनुसार अधिकारियों को भी निर्देशित करते रहते हैं। वही बात करें जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, जनता से मिलने वाले, जनता को मिलने वाले लाभ को लेकर, तो जनता की बात करें तो काफी जो योजनाएं हैं उनको योजनाएं, चाहे वो सरकारी योजनाओं में पेंशन की बात हो, चाहे वो अन्य की बात हो, चाहे सड़क पानी बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं जो मिलनी चाहिए वो लगातार सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ सरकार की पहल देखी गई। बिल्कुल जितेंद्र, और साथ ही अगर देखिए कोरोना की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू तो लागू है ही, साथ ही साथ तमाम पाबंदियां भी अब लग सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि खतरा और ज्यादा कोरोना का ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है। कानपुर देहात की बात की जाए तो प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों में कितनी जागरूकता है ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर? देखिए ओमिक्रॉन और कोरोना की बात करें तो जनपद कानपुर देहात का जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर है। जो व्यवस्थाएं चाहे आईसीयू वार्ड की हो, चाहे वो कोविड केयर जो सेंटर बनाए गए थे उनकी बात हो, तो लगातार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, जनपद के जिला अधिकारी की बात की जाए या पुलिस महकमे कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए तो वो भी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कोरोना का भय है, रात्रि कर्फ्यू हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तो हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त रखी जा रही है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो मेंटेन करनी होती है। इसी के चलते जनपद का स्वास्थ्य विभाग भी फिलहाल एक्टिव मोड पर है और पुलिस प्रशासन नाइट कर्फ्यू का अनुपालन लगातार फील्ड में रहकर, यानी रात का जो पीरियड होता है नाइट कर्फ्यू का 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, उस पीरियड के दौरान पुलिस की एक्टिविटी देखी जाती है और लगातार पुलिस इसको अपनी बखूबी निभा भी रही है। जी। बिल्कुल जितेंद्र, और अगर स्कूलों की बात की जाए क्योंकि देखिए स्कूल अब खुले हुए हैं कई जगहों पर, कई जगहों पर कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में स्कूली बच्चे इस समय कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों में क्या हालात हैं और किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी भी जा रही हैं या नहीं दी भी जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो स्कूलों की क्या तस्वीर इस समय दिख रही है? देखिए बेसिक हो या जूनियर की क्लासेज या हायर एजुकेशन की बात करें तो लगातार जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय में बच्चों का प्रवेश करना, शिक्षण कार्य कराना और साथ ही उनकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद, जनपद कानपुर देहात में जो विद्यालयों की व्यवस्थाएं के बारे में बात करें तो बेहतर व्यवस्थाएं की गई। हाँ, लेकिन कोविड का भय है, लोगों को खौफ है, तो उसमें भी लगातार वो निरंतर इसी तरह निर्वहन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली वेव जो है वो बेहद खतरनाक है, जिसको देखते हुए लगातार जो, चाहे वो स्कूल की बात करें चाहे वो अभिभावकों की बात करें,
तो वो भी आपकी मॉनिटरिंग करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त रखते हुए देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर देखिए क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, कानपुर देहात के क्षेत्रों की बात की जाए तो कितना, देखिए विकास के बारे में तो आपने बताया, लेकिन विधायकों की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए तो कितने ज्यादा अलर्ट वो रहते हैं, कितने बहुत जल्दी वो लोग क्षेत्र का दौरा करते हैं या नहीं करते, साथ ही जनता से कितना रूबरू होते हैं और वहां पर विधायक निधि से कितना विकास हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनपद कानपुर देहात चार विधानसभाएं आती हैं, चार विधानसभाओं को छूती हुई यानी टच करती हुई चार लोकसभाएं भी इस देहात को ही टच करती हैं। हालांकि बात करें यहां जनप्रतिनिधियों की तो लगातार फील्ड पर रहकर यानी जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं उनका निदान अधिकारियों को निर्देशित करके जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं। आखिर विकास की बात करें तो अकबरपुरनिया, रसूलाबाद, भोगनीपुर और सिकंदरा चार विधानसभाओं में निरंतर जो विकास की गति है, हालांकि दो साल का पीरियड जो कोरोना काल का था उस पीरियड को भी यहाँ जनप्रतिनिधि जोड़ते हैं कि उनमें उनका जो क्षेत्र का विकास था, लोगों को जो जन सुविधाएं वो देना चाहते थे उस दौरान वो नहीं दे पाए, लेकिन जैसे पीरियड जो कोरोना का पीरियड था वो थोड़ा सा डल हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, तो ये व्यवस्थाएं हालांकि चाक चौबंद देखी गई है। और विकास की बात की जाए तो निरंतर विकास के जो पहिया माने तो लगातार घूमता हुआ जनपद कानपुर देहात में देखा जा रहा है। और फिलहाल चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लगातार जनता से संवाद करते हैं, उनके जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते भी रहते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, लोगों की समस्याएं तो यहाँ पर विधायक सुनते हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना के समय की बात की जाए, क्योंकि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा तो हर कोई अपने घरों में बैठ गया था, घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन जो जनता थी वो काफी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, उस समय उनके जनप्रतिनिधियों ने कितनी मदद की थी? देखिए ये एक अहम सवाल है कि अगर वो पीरियड था, हर ओर त्राहिमाम था, लोग बेहाल थे, अपने घरों में थे लेकिन अपनों की बेहतर सुविधा और बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में थे, उस दौरान इन जनप्रतिनिधियों का गाहे बगाहे कहीं एक चेहरा बेशक नजर आ जाता रहा, लेकिन अगर सभी की बात करें तो सभी इस दौरान एक्टिव नहीं रहे। और हालांकि जनता ने खुद इस लड़ाई को अपने अपने माहौल पर, सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रही जो उनसे कहा जाए कि ये बेहतर थी, स्वास्थ्य सेवाएं जनपद में आज भी लाचार हैं, बदहाल हैं, लेकिन अगर बात करें उस पीरियड की तो भयावह स्थिति थी, माहौल ऐसा था, लोग डरे थे, लोग इधर उधर अपने को इलाज कराने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उस दौरान ये जनप्रतिनिधि कुछ तो दिखे थे, लेकिन अब कहा जा सकता है कि हाँ बेहतर स्थिति में नहीं वो दौर था। चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो कानपुर देहात का हाल बता रहे थे जितेंद्र यादव कि किस तरह से वहां पर आज की क्या बड़ी हलचल है, किस तरह से प्रशासन अलर्ट है, कोरोना को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है, तो ये तमाम जानकारियां जितेंद्र दे रहे हैं। और झांसी से अमित लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अमित, अगर झांसी की बात की जाए, देखिए कानपुर देहात को लेकर भी यही सवाल किया था कि कोरोना के समय में जब हमने देखा था सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में बहुत सारे लोग जो थे परेशान थे, संक्रमित हो गए थे और अस्पतालों को चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो थे वो अपने घरों में छुप गए थे। तो अगर झांसी की बात की जाए तो कोरोना के समय में जनप्रतिनिधियों ने जनता के कितनी मदद की थी? देखिए क्योंकि बीमारी कोरोना ऐसी है कि फिजिकली मदद किसी की करना उसमें ठीक बात नहीं होती है, तो जो भी जनप्रतिनिधि थे चारों विधानसभाओं में, चारों विधायक, सांसद अनुराग शर्मा जो कि बैद्यनाथ कंपनी के मालिक है, बड़े एक व्यापारी है, तो सभी लोगों ने जो मदद कर पाई थी वो चूंकि फोन पे ही सबसे मदद की ही, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग संक्रमित थे उस वक्त, तो ऐसे में जो मदद कर पाए थे, जो जिला प्रशासन ने मदद की, जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मदद की, वो कहा जा सकता है कि उस दरमियान जो लोग भी काम कर रहे थे मदद करने का, वो बहुत बड़ा काम था और सभी ने बखूबी अपने जितना जिससे हो सकता था उतना निभाया। तो ऐसे में कहा जाता है जनप्रतिनिधियों ने लगातार फोन पे लोगों की मदद करने का काम किया, सांसद जी ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम किया, विधायकों ने भी सिलेंडर दिलाने का काम किया ऑक्सीजन के, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मदद करने का प्रयास था जितना किया जा सकता था उतना किया गया, लेकिन वो समय ऐसा था कि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, कोरोना बहुत भयावह स्थिति में था,
और उसको रोकना भगवान के हाथ में था, इंसान केवल मदद करने में जुटे हुए थे। जी चलिए ठीक है अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में आज का एक खास कार्यक्रम रखा था रिपोर्टर लाइव, ताकि अलग अलग जगह के रिपोर्टर्स से हम संवाद कर सके और उनके जिले में किस तरह की हलचल है, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कुछ बड़ी खबर है, क्या कुछ तस्वीर है, वो आप तक पहुँचाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात किसी और जिले के, किसी और क्षेत्र के रिपोर्टर्स के साथ और वहाँ की तस्वीर क्या होगी सीधे आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।